हेलो गाइस, स्वागत है आपका द बाबा टेक्निकल चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिश टीवी स्मार्ट हब सेट टॉप बॉक्स के रिमोट को लेकर। तो डिश टीवी के स्मार्ट हब के सेट टॉप बॉक्स को आपने देखा होगा तो इसमें एक दो बटन दिए हुए होंगे जो कि टीवी कंट्रोल के होते हैं। टीवी को ऑफ ऑन करते हैं और टीवी का सोर्स का बटन भी आप कॉपी कर सकते हैं टीवी के रिमोट से। तो गाइस, हम डिश टीवी के स्मार्ट हब सेट टॉप बॉक्स के रिमोट को टीवी के रिमोट से पेयर कैसे करते हैं और कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, वो आप इस वीडियो में क्लियरली देख पाएंगे। तो गाइस, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, वीडियो स्किप मत करना। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि टीवी के रिमोट को आपने अपने स्मार्ट हब रिमोट से कॉपी कैसे करना है, ठीक है जी। तो ये दो बटन है, फटाफट से कॉपी कर लेना, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दोनों में आपने कुछ इस तरीके से रिमोटों को ऐसे रख देना है, अपने दोनों के रिमोटों को। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक तरफ स्मार्ट हब का रिमोट है मेरे पास और एक तरफ डिश टीवी और एल जी का रिमोट है मेरे पास, जो कि टीवी एल जी का है मेरे पास लगा हुआ। तो इस एल जी के रिमोट को मुझे कॉपी करना है अपने स्मार्ट हब रिमोट में। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सामने दोनों को रख लेना और दोनों में बैटरी सेल एकदम भरपूर होने चाहिए। कहने का मतलब है किसी में वीकनेस नहीं होनी चाहिए जो कि बटन दबाने पे काम ना करें, ठीक है जी। तो ये सब आपने खुद से चेक करना है। अब आपने इसमें क्या करना है, ये जो पावर का बटन देख रहे हैं, यहाँ पे आप पावर का बटन देख रहे होंगे स्मार्ट हब कंट्रोल रिमोट में, ये बटन आपने होल्ड करके रखना है। और होल्ड करने के बाद में एक इसमें जो लाइट होती है, जो कि बल्ब आप देख रहे हैं, ये बल्ब ब्लिंक होएगा। ब्लिंक करने के बाद में आपने क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे होल्ड करके रखना है इस रिमोट के बटन को। होल्ड करने के बाद में इसमें एक जो लाइट है, आप इसमें देख रहे हैं लाइट जल चुकी है, ठीक है जी। तो इस लाइट को जलने के बाद में अब आपने क्या करना है, टीवी के रिमोट से पेयरिंग करनी है। तो पेयरिंग करने के लिए फटाफट से पेयरिंग होगी, जैसे कि मैंने आपको वीडियो बनाते टाइम पे कुछ ही सेकंड का टाइम लगा दिया, तो इसमें क्या हुआ, जो लाइट है वो बंद हो गई। अब आप, मैं आपके सामने फटाफट से दोबारा से करके दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप समझ चुके होंगे फटाफट से सारा कुछ पेयरिंग करना होता है इसमें। तो एक बार ही मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ, लाइट चल गई है। लाइट चलने के बाद में अब मुझे इसमें दोबारा से सेट टॉप बॉक्स के रिमोट में पावर का बटन वन टाइम प्रेस करना है। एक बार प्रेस कर दिया, अब मुझे टीवी के रिमोट में भी वन टाइम प्रेस करना है। टीवी के रिमोट में रेड बटन प्रेस किया तो इसमें तीन बार लाइट ब्लिंक हुई। अब मुझे सोर्स का बटन भी कॉपी करना है, सोर्स का बटन कॉपी कर दिया और इसमें भी इनपुट का बटन जो है कॉपी कर दिया। तीन बार लाइट ब्लिंक हुई है इसकी। तो तीन बार लाइट ब्लिंक होने का मतलब है कि आपका जो रिमोट है, डिश टीवी के रिमोट ने जो बटन जो मैंने दबाए हैं टीवी के रिमोट से, वो रिसीव कर लिए हैं, कॉपी कर लिए हैं। तो ये दोनों के रिमोटों के जो बटन, जो सिर्फ इसमें दो ही बटन पेयर हुए थे, तो दोनों मैंने इसमें कॉपी करके दिखा दिए हैं। अब मैं आपको अपने टीवी पे लेकर चलता हूँ कि स्मार्ट हब के रिमोट से टीवी बंद होता है या नहीं होता है, या सोर्स का बटन काम करता है या नहीं करता है। तो गाइस, फटाफट से चलता हूँ टीवी की स्क्रीन पे। और गाइस, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर मेरा रिमोट काम कर जाता है स्मार्ट हब का टीवी पे, तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपके घर पे डिश टीवी लगा है, D2H लगा हुआ है, तो ये जो चैनल है आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अभी फ़िलहाल में डिश और D2H के लिए ही काम कर रहा हूँ। इसी के ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन जितने भी वीडियो मिलेंगे आपको डिश और D2H को लेकर मिलेंगी, ठीक है जी। पैकेज से रिलेटेड, अनबॉक्सिंग से लेकर, रिमोट से लेकर, कनेक्टर ज्वाइंटर से लेकर, सारी वीडियो मिलेगी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। चलते हैं टीवी स्क्रीन पर अब और मैं आपको दिखाता हूँ ये वर्किंग में है या नहीं है। तो गाइस, टीवी पे आ चुके हैं और मैं अपने यहाँ पे दिखाता हूँ सेट टॉप बॉक्स के रिमोट से टीवी को ऑफ करके। यहाँ पे आपके सामने बटन दबाता हूँ और मेरा जो टीवी है बंद हो चुका है, ठीक है जी। जैसे कि आप इसमें कैमरे में देख रहे हैं, और दोबारा से मैं इसको ऑन करता हूँ, इससे रेड लाइट आ रही है, यहाँ पे देख रहे हैं मेरी उंगली देख रहे हैं आप, उसको मैं दोबारा से प्रेस करता हूँ तो मेरा जो टीवी की लाइट है वो बंद हो जाती है और ब्लिंक करके मेरा जो टीवी है ऑन होना चाहिए। तो ऑन हो चुका है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखते हैं सोर्स का बटन, सोर्स का बटन आप दबाते हैं और किसी भी टीवी पे वगैरह पे ले जाके आप इसको चला सकते हैं, ठीक है जी। तो मेरा जो रिमोट है वो पूरी तरीके से वर्किंग है और आप इसमें देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। और काफ़ी ज़्यादा जो भी है, अपने चैनल में चेंज करके दिखाता हूँ, ज़्यादा देर तक अगर मैं कोई सोनी टीवी वगैरह चलाऊँगा तो मेरे इस चैनल पे, इस वीडियो पे कॉपीराइट आ सकता है और कोई वीडियो ये काम की नहीं रहने वाली है, ठीक है जी। तो फटाफट से कोई भी चैनल मैं इसमें लगाता हूँ और आपके सामने टीवी को ऑफ ऑन करके मैंने दिखा दिया है। और हाँ, आप इस रिमोट को 100% कॉपी करना सीख गए होंगे। तो गाइस, बिना लाइक किए हुए वीडियो को नहीं जाना है आपको और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है अगर आपको फ्यूचर में डिश टीवी D2H की कोई भी जरूरत पड़ती है। तो वीडियो फिलहाल में इतनी है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।